Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. मेरे यहाँ से सचिन आता है थोड़े दूर रास्ते में, तो वहाँ पे देखो आग लग गई है. So alright guys, what's up? Welcome back to my channel, my new video. So I hope guys आप मेरा फेस देख सकते हो, क्योंकि बहुत धूप आ रही है अभी मेरे फेस पे. सो गाइज एक्चुअली आज सीन ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ आज साइकिलिंग. आज आप साइकिल व्लॉग, साइकिल व्लॉग कुछ ऐसा बोल सकते हो, जैसे मोटर व्लॉग होता है साइकिल व्लॉग. सो एक्चुअली सीन ऐसा है कि आज मैंने सोचा कि यार थोड़ा साइकिल कर लेते, क्योंकि मेरा एरिया ग्रीन जोन में आता है और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्री है कि यहाँ जहाँ थोड़ा बहुत जा सकते हो, तो सोचा कि क्यों ना ये कर लें. जैसे कि आपको पता है ये भी लॉकडाउन में हम सभी बहुत अनसन खाने लग गए, बहुत अनसन कुछ एक्टिविटी ज़्यादा कर नहीं रहे, तो अपना पेट और बॉडी वैसा भी सड़ रहा है, तो क्यों ना साइकिलिंग की जाए. सो आज ये पर्पज़ है कि आज हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, साइकिलिंग करेंगे. और मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आपके पास भी साइकिल है नहीं तो आप भी रनिंग कर लो. साइकिल से ज़्यादा तो रनिंग में कैलोरी बर्न और कैलोरी क्या, और ये फैट जो होता है अपनी चर्बी वो ज़्यादा बर्न होती है, तो आप वो कर लो, वो अच्छा बेटर रहेगा आपके लिए. तो अभी बस यहाँ पे थोड़ी देर, मतलब आधे एक घंटे साइकिल कर ले, नहीं आधा घंटा बहुत है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 15 मिनट भी एक बार के लिए बहुत है, क्योंकि धूप के हिसाब से, धूप जैसे मेरा देख सकते हो अभी, तो धूप के हिसाब से है, बट आधा घंटा तो आप प्रोबेबली करना ही चाहिए. तो अभी मैं मुंह पे मास्क डाल लेता हूँ और थोड़ी देर साइकिल कर लेते, फिर आपको मिलता हूँ. मैं टहर जहाँ साइकिल कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर आस पास का थोड़ा नज़ारा भी दिखा दूँ. लाइक देखो मैं कहाँ साइकिलिंग कर रहा हूँ, अपने जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना एकदम, मैं वहाँ रहता हूँ और जस्ट ये गली है ना पूरी, बस ये गली में मैं साइकिल कर रहा हूँ और आसपास का ज़्यादा जा नहीं रहा. ओह बहुत सांस फूलने लग गई है गाइस, बहुत जल्दी धूप आ गई. चलो मिलता हूँ आपको वापस थोड़ी देर में. हमारा टारगेट तो आधा घंटा था बट उससे ज़्यादा ही हो गया, चलो तो अच्छी बात है, ज़्यादा हो गया था तो अभी हाथ में यूज़ नहीं कर रहा, फिर इसको भी यहाँ रखूँगा. तो अभी ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मेन वर्कआउट कर लेते हैं और फेस देख ही सकते हो आप. बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, बस यहाँ लगे रहते हैं कि सुबह की तो धूप रहते ही विटामिन डी बोलते हैं. और आपको भी बोलूँगा आप भी उतरो नहीं, ऐसा मेरे जगह घर के आस पास सेफ रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको नीचे उतरो, थोड़ी बहुत रनिंग करो, पार्किंग में चलेगी जरूर, नहीं गेट के बाहर ही जाओ, पार्किंग में भी साइकिल है साइकिल करो, नहीं तो रनिंग कर लो, छत पर भी कर सकते हो. तो मैं तो बोलूँगा आपको करने के लिए, बाकी आपकी इच्छा.
राइट गाइस, हमारा साइकिल सेक्शन भी हो गया। सो अभी लास्ट 5 मिनट पहले आया था, हाथ फ्रेश फ्रेश हो गया मैं, ठीक है। सो अभी चालू करते हैं अपना वर्कआउट। सो गाइस, अभी जैसे मेरे पास तो मेरे पापा की देन है, लाइक ये सब मेरे पास डंबल रॉड सब है, 22 साल पुराने ये सब है। तो अभी आपके पास नहीं होंगे, बहुतों के पास नहीं होंगे, तो जिसके पास नहीं आप सोचते हो क्या वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, खुलेगा तभी हम फॉर्म वॉर्म भरेंगे फिर हम चालू करेंगे। बट आप ये मत सोचो गाइस, क्योंकि अभी हम घर पे बैठे बैठे बहुत उल्टा उल्टा सब खा रहे हो, लाइक वो पेट की सर्दी होती है उससे हम थोड़ा सा जबन भी कर सकते, तो वैसा कुछ आने लग गया। तो उन सबको पॉइंट रखते हैं, मैं सोचा आज इस पर थोड़ी सी हम बात कर ले और थोड़ा सा उस पर मैं वीडियो बना लूँ। सो गाइस वाह आई, तो अब मेरे को भी पता कि मैं बहुत सारे के पास ये इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो आप ऐसे जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत है, ठीक है। आप नॉर्मली पुशअप भी मार लो ना, दिन के 100 मारते तो बहुत अच्छा है, बहुत एक अच्छा सा पंप रह जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। अगर 100 भी नहीं मार पाओ तो अभी एक बार के लिए थोड़े बहुत लिमिटेड, जितना आपके आ रहे हो ना उतने ही बहुत है, उससे ज़्यादा आप नहीं करो तो बेटर है। फिर वो क्रंच हो गया, लाइक बाई सब के लिए बहुत सी चीज़ें हो गई, उससे आपका हो जाएगा दिन का एक का। बट तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं उससे कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा और चाहिए हमको, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जिम की जरूरत नहीं है, आप है ना बैग भी यूज़ करते हो, बाल्टी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैग में आप बूट डाल के और थोड़ा ऐसा ऐसा करोगे ना, तो देख रहे हो ऐसा करोगे तो मैं दिखा देता हूँ एकदम बाल्टी से आपको। तो ये मैं मम्मी यूज़ करी थी, मैं चूड़ा के ले गया 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं फुल फिल कर लिया पानी से, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट स्ट्रेट एंड देन अभी घर पे बैठे बैठे हम बॉडी भी बना सकते हैं, घर पे बैठे बहुत सारी चीज़ें हम सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बाल्टी का हो गया, तो वैसे ही आपको डंबल से बताऊंगा मैं, वैसे आप बाल्टी से भी कर सकते हो या बैग के साथ कर सकते हो या आपके पास डंबल है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं पूरा आपको बाइसेप के 2, 3 या 4 सेट बताऊँगा, वो आप 8, 12, 15 जैसे आपको मारना वैसा मारना, बट 8, 12, 15 3 मारना, नहीं तो 15 की 3 मारना या 12 की 3 मारना या 8 की 3 मारना, ठीक है। तो आपके ऊपर वो ऐसा मार लेना, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 डंबल है, एक है 7.5 का, वो दिखेगा नहीं आपको, ये देखो नंबर दिखा देता हूँ, 7.5 का वो हल्का दिख रहा है पर हल्का है नहीं, ये है 12.5 का, ठीक है। और ये रॉड है कुछ 15 किलोज अबाउट, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट है अभी मेरे पास। तो अभी फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी, नॉर्मली हमें ये मारते हैं वो, ठीक है। ऐसे आपको देखो, कभी ऐसे रहते हो, कभी ऐसे रहते हो, कभी अपनी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, हाथ भी ऐसे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आपके पास दीवार है तो ऐसे समझ लो दीवार है मेरे पीछे, उसका मस्त टेका ले लो आप और फिर हाथ ऐसे छोड़ के डू लाइक दिस। तो उससे होगा क्या, उससे जो आपका ये हाथ है ना वो आप चिपका जाएगा, ठीक है, और जो एल्बो है वो हमारी इसके साथ चिपकी रहेगी। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हो, तो पूरा स्ट्रेस और पूरा जोर आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो देखो सिंगल दीवार है, ठीक है, ये था पहला। तो गाइस नाउ सेकंड विल बी बाय रॉड, ये रॉड। अब रॉड यूजली लोग ऐसे ही मारते हैं, ऐसे मारते हैं। तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि थोड़ा सा बैंड हो जाओ, हाथ थोड़ा आगे करो एंड डू लाइक दिस बार में, ऐसे देखो ये थोड़ा यहाँ पे एंड देन बस गाइस इसमें ध्यान रखना आप ज़्यादा बैंड मत होना, क्योंकि फिर आपके बैक बोन जो अपने यहाँ पर होती है वो बाहर में बहुत उठेगी, तो कमर पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए और आपको खाली हाथ पे आना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रेट खड़े होना है दौड़ के साथ एंड देन बैंड, हल्का सा बैंड होना, ज़्यादा नहीं, ठीक है, अपने को वो नहीं मारना। तो हल्का सा बैंड देन हैंड आगे फिर लेग बैंड, तो वो पाए समझ गए होंगे, एक बिना रोड के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको कैमरे में तो ज़्यादा बैंड हुआ दिखा होगा, बट मैं ज़्यादा बैंड नहीं हूँ, हल्का सा बैंड हूँ कि उससे वो पास दिख रहा होगा ना। तो थोड़ा धूप आ रही है इसलिए मेरे को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट ठीक है।
तो भाई जैसे हमारे मार्केट में कभी अपने ऑनलाइन में देखते ना भाई गेट वन एंड गेट वन नहीं, तो जैसे हम मार्केट या कोई शॉपिंग में देखते ना गेट वन एंड गेट वन फ्री, तो लाइक जैसे इसमें भी है, आप डंबल पकड़ो एंड ऐसे करते हैं ना अपने, तो इसमें आप मैं बता दो फ्री क्या है। तो जैसे आप ये करोगे ना इसमें आप अगर ऐसे लाओगे तो इस पर इफेक्ट पड़ता है और नीचे लाओगे तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, बट जैसे आपका ये हैंड है ना उसको आप थोड़ा पीछे लगे लाओगे तो वैसे भी पड़ेगा। तो क्या करना है ऐसे ऐसे है ना, तो इसमें आपका ट्राइसेप का भी थोड़ा पंप हो जाएगा। ये कुछ थी तीन जो अपने बाइसेप के लिए अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और है जाएगी ये होता है, तो ये अपने बैठ के तो करते हैं ना ये वाला, ये भी होता है, और बाद में अपने सर पे भी रख के लाइक ऐसे कर सकते हैं, मतलब लाइक जिस छोटा वाला होता है ना वैसे अपने कर सकते हैं, तो इससे भी अपने यहाँ पर इफेक्ट आता है। और भी ऐसे घर पर बैठे बैठे डंबल हो तो आप पूरा ही जिम का ऐसे यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बताया क्यों नहीं, क्योंकि आपको अगर जानना हो तो मैं पूरा एक बाइसेप का पूरे अच्छे से 7 या 6 सेट बताऊंगा, रेपिटेशन भी बताऊंगा, और ठीक है तो आप बता देना मुझे कमेंट करके, आपको चाहिए हो तो है तो मुझे इंस्टा में भी बता सकते हो वो लिंक, या अपना नाम मेरे को सर्च कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अभी बाइसेप भी बता दूंगा, बाइसेप अगले में बाइसेप हो गया, ट्राइसेप चेस्ट और एप बैक तो होगा नहीं, क्योंकि बैक के लिए बहुत अपने को केबल भी होता है और रॉड हो सकती होता है, तो वो होगा नहीं अपने से, ठीक है। तो खाली इससे अच्छा तो आप खाली पुशअप करोगे तो भी आपको चलेगा, अगर आपको इतना पसंद नहीं है करना तो भी। सो ये सब मैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा, तो टिल देट बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले आपको पता ही क्या करना है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज अभी घर पर बैठे हम मैं खुद का भी नहीं रहा, क्योंकि आपको क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत रहा है वो दूर से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो समझ जाओ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Yeah.